श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का आगमन, जो आज देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 1978 में जस्टिस बोबड़े ने महाराष्ट्र बार परिषद के बतौर अधिवक्ता के तौर पर अपना पंजीकरण कराया। 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस बोबड़े के पिता अरविंद श्रीनिवास बोबड़े भी मशहूर वकील थे और जस्टिस बोबड़े ने अपने पिता की जो विरासत है उसको भली भांति ग्रहण किया है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी आज इस समारोह में उपस्थित हैं। दरबार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, दरबार हॉल में उपस्थित गणमान्य जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनका अभिवादन, गृहमंत्री श्री अमित शाह, श्री लाल के शाडवाणी, दरबार हॉल जहां पर प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने शपथ ली थी, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन। I, Sharad Arvind Bobde, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।